नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी कि शुक्रवार को वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर योजना को लागू करने के लिए 13 सदस्यीय वाली कमेटी का गठन किया है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ महीने पूर्व किया था, साथ ही इसके लिए 50 करोड़ के बजट का भी ऐलान किया गया था। अब इस बजट को किस प्रकार से और कहां खर्च किया जाएगा, इसका सुझाव भी वकीलों की ओर से मांगा जाएगा। इसके लिए 13 वरिष्ठ वकीलों की एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से लेकर साकेत कोर्ट के वकीलों के प्रमुख को स्थान दिया गया है। वकीलों के लिए आज बहुत अच्छी खबर है। हम लोगों ने बजट के अंदर वकीलों के वेलफेयर के लिए चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए अलग से रखे गए थे। वकील समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस अदा करते हैं, जिसको दिल्ली सरकार रिकॉग्नाइज करती है, और वकीलों की बहुत समय से ये मांग रही है कि उनके वेलफेयर के लिए अलग से योजना बनाई जाए। मुझे लगता है ये जो 50 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने वकीलों के वेलफेयर के लिए अलग से रखे हैं, ये पूरे देश में आज तक इतने बड़ा अमाउंट वकीलों के वेलफेयर के लिए किसी भी सरकार ने नहीं दिया। पहली बार दिल्ली सरकार वकीलों के वेलफेयर के लिए इतना बड़ा अमाउंट दे रही है। ये 50 करोड़ रुपए किन किन चीजों पे, उनके कौन कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च किए जाने चाहिए? समय समय पे अलग अलग वकीलों की संस्थाओं ने अलग अलग डिमांड्स रखी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने तय किया कि सरकार ये तय नहीं करेगी कि उनके किस वेलफेयर के लिए कितना पैसा खर्च करें। उसके लिए आज हमें एक ऑर्डर जारी किया दिल्ली सरकार ने, जिसके तहत एक 13 वकीलों की कमेटी बनाई गई है। और ये वकील जो है, ये जो इनकी बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, लगभग सभी बॉडी से एक 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 रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने लिया है। तो इस बॉडी के कन्वीनर होंगे श्री राकेश कुमार खन्ना, जो सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके इसमें एक दूसरे मेंबर होंगे श्री केसी मित्तल, वो एडवोकेट हैं और चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। श्री राहुल मेहरा, वो स्टैंडिंग काउंसिल हैं दिल्ली सरकार के क्रिमिनल साइड में दिल्ली हाईकोर्ट में। श्री रमेश सिंह, वो स्टैंडिंग काउंसिल हैं सिविल साइड पे दिल्ली सरकार के दिल्ली हाईकोर्ट में। श्री मोहित माथुर, वो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। श्री राजेश कौशिक, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं द्वारका बार एसोसिएशन के। श्री आर के वधवा, वो प्रेसिडेंट हैं न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के पटियाला हाउस कोर्ट्स। श्री एन सी गुप्ता, वो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के 30,000 कोर्ट्स। श्री हेमंत मेहता, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं साकेत बार एसोसिएशन के। श्री प्रमोद नागर, वो प्रेसिडेंट हैं शाहदरा बार एसोसिएशन कड़कड़ूमा कोर्ट्स। श्री राकेश चहर, वो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं रोहिणी बार एसोसिएशन के। श्री कमल मेहता, वो एक एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में। और श्री अमिताभ चतुर्वेदी, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। ये 13 मेंबर्स की कमेटी है और 10 दिन में इन लोगों को रिपोर्ट देनी है। 10 दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगी, इनकी सिफारिशों को दिल्ली सरकार फिर कंसीडर करेगी और उसके आधार के ऊपर इनकी चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट वेलफेयर स्कीम लागू की जाएगी।